तजदीद ईमान, ये हमारे पास ईमान जो है ये लिसान इकरारुम बिल्लिसान वाला ईमान है, ज़बानी तस्दीक है, यकीन कल्बी वाला ईमान, और इससे भी आगे बढ़कर बसीरत वाला ईमान, बसीरत वाला ईमान, यकीन वाला ईमान, ये उम्मत में पैदा किया जाए। पूरी उम्मत में नहीं होगा, कुछ लोगों में तो पैदा किया जाए। एक जमात तो ऐसी हो जिसके अंदर वो ईमान पैदा हो चुका हो, और इसका मंबा और सरचश्मा कुरान और सिर्फ कुरान। वो जो जफर अली खान ने कहा था, वो जिंस नहीं ईमान जिसे ले आए दुकाने फलसफा से, ढूंढे से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपारों में, आकिल को, इंटेलेक्चुअल्स को, जिनका ईमान बाबसीरत होगा, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी, शऊर वाला ईमान, शऊरी ईमान, यकीन वाला ईमान, वो कुरान मजीद से मिलेगा और कहीं से नहीं मिल सकता। और ये ईमान आएगा तो इसकी गवाही कैसे मिलेगी कि आ गया ईमान? वो अमले साले से मिलेगी, मालूम हो गया कि शरीयत के जिन अहकाम पर कोई पाबंदी निजाम की तरफ से नहीं है, कम से कम उनका इजरा तो कर लिया जाए अपनी जात पर और अपने घर में, अपनी मईशत और माशरत को इस्लाम के रुख पर ढाल दिया जाए। अगर आपकी माश हलाल नहीं और आपकी माशरत इस्लामी नहीं, अगर आपने शरी पर्दा नाफिज नहीं किया, अगर आपने सूदी कारोबार तर्क नहीं किया, अगर आपने रिश्वत का लेन देन खत्म नहीं किया, अगर आपने ये सट्टेबाजी और जुए को तर्क नहीं किया, तो ईमान नहीं है। फिर इस्लाम है, इकरारुम बिल्लिसान है, पहला मरहला ये है और यही सबसे मुश्किल है, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। जानता हूँ सवाब तो जोहद पर तबीयत इधर नहीं आती। हम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जोश में आकर सीने खोलकर गोलियां खा लेंगे। जोश में आकर जान पर खेल जाना आसान है, होश के साथ, पाबंदी के साथ अपनी इस्लाह करना बहुत मुश्किल। और कुरान ये कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अपने आप को बदलो,